अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हमारा बायो का लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़े थे, जिसके दो पार्ट्स थे, यानी कि एयर पासेज वे एंड द लंग्स। हमने एयर पासेज वे को कल जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो उसका दूसरा पार्ट है द लंग्स, उसको डिस्कस करेंगे। द लंग्स यानी कि फेफड़े। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरैकिक कैविटी। हमारे थोरैकिक कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, जोड़ा होता है लंग्स का। चेस्ट वॉल मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। उसके बाद आता है रिब्स। रिब्स के हैं कि चेस्ट वॉल जो है वो मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 जोड़े होते हैं रिब्स के। उसके बाद है इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि ये लंग्स के अंदर हम उसकी कंपोजिशन बता रहे हैं कि लंग्स में क्या क्या चीज़ें पाई नहीं जाती बल्कि इसके इर्द गिर्द होती हैं। रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को, इसके लंग्स जो है वो रिब्स के नीचे होते हैं, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स हैं। रिब्स मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, और रिब्स के जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। डायाफ्राम है अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम बिलो द लंग्स। थिक बहुत ही मोटा मसल्स का स्ट्रक्चर है, लंग्स के बिल्कुल नीचे सी शेप्ड होती है, जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। लेफ्ट लंग्स स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज टू लोब्स। अब जो दो लंग्स होते हैं लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है और इसके दो लोब्स होते हैं। राइट लंग्स इज बिगर, बड़ा होता है, विथ 3 लोब्स, क्योंकि इसके 3 लोब्स होते हैं, इसलिए राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। ये स्पॉन्जी मतलब कि स्पंज की तरह जो है वो, हम अगर उसे हाथ में पकड़े तो हम इसको ऐसे स्पंज की तरह जो है वो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो ये स्पॉन्जी होता है और इलास्टिक होता है, दोबारा अपनी सिचुएशन अपनी कंडीशन पर वापस आ जाता है। जैसे हम इलास्टिक को जब स्ट्रेच करते हैं तो वो लंबी हो जाती है, जब उसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी ही हालत में दोबारा वापस आ जाती है, तो ये भी इलास्टिक होते हैं। आल्सो हैव ब्लड वेसल्स, इसके अंदर खून की नालियाँ भी होती हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो एल्वियोलाई होती हैं वो कैपिलरीज उसको सराउंड की होती हैं, घेरे हुए होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो गैसेस का तबादला होता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ शामिल होती है, तो ऑक्सीजन का जब ब्लड में मिलना है तो वो ब्लड वेसल्स का होना ज़रूरी है। इनक्लोज्ड बाई 2 मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन में बंद होता है, कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जिन्हें आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन इंक्लूज अ फ्लोइड विच प्रोवाइड, दो मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लोइड होता है, विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन, जो एक लुब्रिकेशन मतलब एक नमी फ्राहम करता है, फ्रॉम फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स। जब लंग्स हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो फूल जाता है, एक्सपेंड होता है, जब वो एक्सपेंड होता है तो वो अपनी मसल्स अपनी मेम्ब्रेन की दीवारों के साथ टकराता है, और जब हम सांस को बाहर लेके आते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये जब वो कंट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं, इसके दौरान जब वो दीवारों के साथ टकराते हैं तो उनमें फ्रिक्शन पैदा हो सकती है, उस फ्रिक्शन को से बचने के लिए जो है वो मेम्ब्रेन के पास एक फ्लोइड होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कि उनसे रगड़ ना लगे और इसकी वाल जो है वो डैमेज ना हो। आप अपने बुक की पेज नंबर 5 पर देखें कि ये दो लंग्स हैं, इन लंग्स के नीचे ये आपका जो एरिया है ये वाला, ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, और ये सी शेप्ड फ्राहम करता है, ये बिल्कुल लंग्स के बिलो द लंग्स नीचे होता है। साइड पे आप देखें हाइलाइटेड बॉक्स है रिकॉलिंग में। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप, गार्डेड मतलब कि हिफाजत करता है, बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू, फ्लैप एक तय होती है टिश्यूज़ की, कॉल्ड द एपिग्लोटिस, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, यानी कि ग्लोटिस की हिफाजत करने के लिए एक टिश्यू की तय है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। डिफाइन एपिग्लोटिस आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सेल्फ मेड, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आपका हाइलाइटेड बॉक्स है। द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, जब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है, या आपको मैंने बताया था कि क्यों होती है, कि जो लेरंक्स है ये इसके दरमियान एक फिब्रस धागे की तरह के तने हुए मतलब बिल्कुल खींचे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जब हवा उनमें से गुजरती है तो वो थरथराते हैं, तो वाइब्रेशन होती है। द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, जब उनमें वाइब्रेशन होती है और हमारे लिप्स की मूवमेंट, चिक्स की, टंग की एंड जॉस की, प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड, तो ये सारे जो हैं वो जब मूवमेंट करते हैं लिप्स चिक्स टंग एंड जॉस, तो ये एक स्पेसिफिक साउंड आवाज़ पैदा करते हैं, विच रिजल्ट इन स्पीच, जो स्पीच होती है। तो स्पीच की डेफिनेशन है, स्पीच इज़ एन एबिलिटी डैट
ओनली ह्यूमन आर गिफ्टेड, ये एक ऐसी सलाहियत है जो सिर्फ ह्यूमन के पास होती है। विद एंड दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स विच हैज़ पुट ह्यूमन बींग्स सुपीरियर टू ऑल। तो ये एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी खसूसियत है जो इंसानों को बाकी तमाम जानदारों से आला दर्जे का बनाती है। तो स्पीच एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ इंसानों में है और ये इंसानों को आला दर्जे का बनाती है, क्योंकि बाकी जानवर जो हैं वो सुन तो सकते हैं लेकिन को आवाज़ें आती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। द ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई आर आल्सो लाइंड विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स, यानी कि ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई है, जैसे कि हमारे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं, इस तरह इनके अंदर सीलिया होते हैं, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे, ये जो है वो सीलिएटेड होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, तो ये सीलिएटेड होते हैं। एंड ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड से बने हुए सेल्स। द ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेटेड म्यूकस, सेल क्या करते हैं? म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। विच मॉइस्चर द एयर, जो हवा को नरम बनाता है, यानी कि जब ट्रेकिया में हवा पहुँचती है, जो नाक नोज हमारा काम करता है वही हमारे नेक्स्ट आगे जो है वो ट्रेकिया में भी यही काम हो रहा होता है। म्यूकस सीक्रेट करती है जो एयर को मॉइस्चर करता है। एंड आल्सो ट्रैप एनी फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और बैक्टीरिया डैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी, और उसके साथ साथ ये ट्रैप रोकता है तमाम बैक्टीरिया और डस्ट के पार्टिकल्स को। नेजल कैविटी भी ये काम करती है, लेकिन अगर उसमें से कोई गुजर जाते हैं तो वो आगे सीलिया जो है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो इन्हें ट्रैप करते हैं। द सीलिया बीट विद एंड अपवर्ड मोशन सो डैट द फोरिजन पार्टिकल्स अलॉन्ग द म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी फ्राम वेयर इट मे बी इधर स्वॉलोड और कफ्ड आउट। और सीलिया जो है वो क्या करते हैं कि जब इसमें कोई ऐसा पार्टिकल या डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो क्या करता है, उसे आउटसाइड मतलब हमारे मुँह की तरफ, ओरल कैविटी मुँह की खाली जगह है ठीक है, इसकी तरफ भेज देता है। एंड फ्राम वेयर, जहाँ से हम इसको स्वॉलोड और कफ्ड आउट खांसी करके बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।